नमस्कार मु गौरी आपण मानको स्वागत जणे आरंभ करूछे आजिरो आउ एक नुआ वीडियो माछ त समस्त खांती किंतु माछ अंत बोध हुए बहुत अल्प लोक खांती जो माने एहार स्वाद जानती से माने निहाती खाउथुए किंतु माछ अंत लोक माने साधारण पकई दियंती। आज आपनको मु जो रोसेडी करी देखैबी ताहा होची माछ अंत ए चालंतु जो भली भाबरे मु करी देखौची आपण सही भली भाबरे थरे खाई देखंतु परे मते जणाइबे केमिते लागिला रसोई को आरंभ कर। एई माछ अंत तरकारी तयारी करिया पे आमको दरकार माछ अंत तेल लुण हलदी सोरिष जीरा शुक्ला लंका बटा कंचा लंका एवं आलू चुनै कर काटि दिछि मु एवं प्याज कटा। प्रथमे गैस को धरे नबा करे गरम हो जाइ यहाँ पर आम तेल दे दबा तेल को किछ समय गरम होबा पई छाड़ दबा तेल टी गरम हो जाइ यहाँ पर आम दबा कंचा लंका कंचा लंका टिके भाजी हेला परे एहा ऊपर दबा प्याज कंचा लंका प्याज भाजु हो आउ गोटे कथा कहबी समस्त जानिथिबे अंत गुड़िक पिता लगे किंतु सब माछर अंत पिता लगे बड़ जिते बड़ माछ हम तार अंत गुड़ाक जमार पिता ही लगे तो से तरकारी करने टे भल लगे टेस्ट भल हुए। प्याज गुड़िक अल्प लाल तापर आम दबा काटि रखी आलू को आलू गुड़िक सीझे स्वाद अनुजाई लुण दबा आलू गुड़िक सीझे ढकईदेबू कि समय मत तो मंत भारी पसंद क्या क्या पसंद मंत निहाती कमेंट कर जनइबे लगुच आलू गुड़िक सीझी थी अल्प भाजा ही थी चलत तो देखा आलू गुड़िक अल्प भाजा सरी जाए आम दबा मसला को काटिक रखि मसला को मसाला उपरे दबा स्वाद अनुजाई हलदी एहाको नाड़ीबा मसालार तेल छाड़िया परे मसाला को कसिया पई टिके पानी ढालिबी मसला को टिके कसिया पई छाड़ी दबा मसला रे आलू भल भाव कसा सरिलानी देखंतु को भरी भाव तेल भारी सरलानी एहा उपरे आमे दबा एबे रखीतिबा अंत को माछ अंत को एहा को भल भाव नाड़ीबा पांच मिनिट मसलार आलू एवं अंत को भल भाव कसला एमें अल्प पानी ढाई दबा अंत आलू मसला भल भाव कसाला एल्प टी पा मुझे
ତରକାରୀଟି ରସା ରସା ହେବ, ତେଣୁ ପାଣିକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତରକାରୀରେ ପାଣି ମରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ତରକାରୀରେ ବିଲାତି ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସରି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଲାତି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ବିଲାତି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଲେ ଏହି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବେ ତରକାରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ମାଛ ଅନ୍ତ, ଆଳୁ, ମସଲା, ବସର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ତରକାରୀଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଛ ଅନ୍ତକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କଲି। ନମସ୍କାର।